Assalamualaikum. Dear student, let us quickly discuss each and everything relating to cost of capital in FM, financial management. FM में previously जिसको हम F9 भी कहते थे, cost of capital को हम quickly revise कर रहे हैं. Cost of capital. Since ये एक revision video है, तो I'll be quick. ताकि हम बहुत ही कम टाइम पीरियड में पूरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सके. सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिंपल सा मतलब होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस सिंपली कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग. ओके, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अगला सवाल है कि व्हाई डू वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एक्चुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. आगे चलते हैं. अब अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली एक कंपनी ने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से पैसा रेस करना है टू मेक इन्वेस्टमेंट. और किसी भी सोर्स ऑफ फाइनेंस से जब आप पैसा रेस करते हैं तो फ्री में आपको पैसा नहीं मिलता. ईच एंड एवरी सोर्स ऑफ फाइनेंस इज हैविंग इट्स ओन कॉस्ट. तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जो डिफरेंट सोर्सेज हम पैसा रेस करेंगे उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो देयर इज वन पॉसिबिलिटी कि ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी की फॉर्म में पैसा रेस करे. अगर ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी की फॉर्म में पैसा रेस करेगी, द कॉस्ट व्हिच दे हैव टू बेयर इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही. अगर एक कंपनी डेट की फॉर्म में पैसा रेस करती है, मींस कंपनी लोन ले रही है, तो जो कॉस्ट इनको बेयर करनी पड़ती है दैट इज KD1 माइनस T, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स. कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स सिर्फ इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट देने से टैक्स सेव होता है, इसलिए KD1 माइनस T. थर्ड एंड द लास्ट, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में पैसा रेस करती है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में पैसा रेस करती है तो जो कॉस्ट उनको बेयर करनी पड़ती है दैट इज KP, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. अब अगर मैं KE की बात करूं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, तो KE को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. FM में बेसिकली हमारे पास दो मॉडल्स हैं जिससे हम KE को कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हम AFM की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास तीन मॉडल्स होते हैं, बट ऑब्वियसली राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग FM. तो KE को आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से, जिसे आप डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं, और आप इसे CAPM से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से. CAPM की अगर मैं बात करूँ, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की, तो सिंपली KE इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF एंड देन वी हैव अ बीटा इक्विटी. KE की अगर हम बात करते हैं तो सिंपली कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और इसी को मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर्स भी कहते हैं. सो मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर्स, required by the shareholders. RF हमारे पास risk free rate of return है, risk free rate of return. risk free rate of return simply means जब हम government bond में investment करते हैं तो वहां से मिलने वाला जो basically return है that is risk free. RM की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज रिटर्न ऑन स्टॉक एक्सचेंज, एवरेज रिटर्न ऑन स्टॉक एक्सचेंज. बेटा RM माइनस RF की बात करें दैट इज इक्विटी रिस्क प्रीमियम, इक्विटी रिस्क प्रीमियम. हम इक्विटी रिस्क प्रीमियम को मार्केट रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं. बीटा इक्विटी से पहले हमें बीटा का सिर्फ आइडिया होना चाहिए. सिर्फ बीटा की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं बीटा इज अ मेजर ऑफ रिस्क. अब जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क. हमारे पास सिस्टमैटिक रिस्क है और हमारे पास अनसिस्टमैटिक रिस्क है. बेसिकली जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है ये एक डाइवर्सिफाइबल रिस्क है. इसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अनसिस्टमैटिक को स्प्रेड कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इवन एलिमिनेट कर सकते हैं. क्वेश्चन यार आइज होता है क्या, लेट मी एक्सप्लेन. अनसिस्टमैटिक रिस्क की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो कि अगर आप स्टॉक्स में जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, जितना भी फंड आपके पास है, जितना पैसा आपके पास है, अगर वो सारे का सारा पैसा आप एक ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स में लगा देंगे तो हम ये कहेंगे आपने बेसिकली रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं किया। लेकिन अगर आप उसी इन्वेस्टमेंट को, मान लो कि आपके पास 1 मिलियन है, आप 1 मिलियन को फॉर एग्जांपल अगर 20 से डिवाइड करते हैं, यू विल गेट 50,000 विच इज 5% ऑफ 1 मिलियन। अगर आप 20 ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और उन कंपनीज का आपस में कोई लिंक ही नहीं है, आपस में लेट से कोई कोरिलेशन नहीं है या नेगेटिव कोरिलेशन है, अब बेसिकली आपने जो इन्वेस्टमेंट की है लेट से 20 ऑर्गेनाइजेशंस की, जो मान लो सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, तो अब हम कहेंगे यार बेसिकली आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी एक कंपनी के शेयर्स में आपको लॉस होगा तो स्टिल 95% चांसेस है आपको बेनिफिट हो सकता है। अब मैं अनसिस्टमेटिक रिस्क की अगर मैं बात करता हूं तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ये अज्यूम करता है कि जो इन्वेस्टर है उसके पास वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसलिए उसका अनसिस्टमेटिक रिस्क जीरो है और हमें इसी अजम्पशन पे काम करना होता है। बचा सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क इज नॉट अ डाइवर्सिफाइबल रिस्क, इसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, कुछ भी कर लें, यू हैव टू फेस इट। एग्जाम्पल, आपके कंट्री की गवर्नमेंट अगर टैक्स रेट बढ़ा दे तो यू हैव टू फेस इट, यू कैन नॉट ब्रिंग डाउन द टैक्स रेट। अगर आपकी जो गवर्नमेंट और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है तो आपको उसको फेस करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होता है तो आपको उसको फेस करना पड़ेगा। Another example of systematic risk could be environmental problems. Sir, environmental problem आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ेंगे, ये भी क्या हमारे पास सिस्टमैटिक रिस्क है। आप सुनिएगा, जब बीटा इक्विटी की बात करते हैं तो आपको एक सिंगल लाइन लिखनी पड़ेगी। एक्चुअली बीटा इक्विटी के बारे में एक सिंगल लाइन लिख लें, बीटा इक्विटी इंडिकेट्स दैट, उससे पहले आप ये लिख लें, बीटा इक्विटी इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। व्हाई सिस्टमैटिक रिस्क? क्योंकि हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के अंदर अनसिस्टमैटिक रिस्क जीरो होता है। तो बीटा इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो बीटा इक्विटी इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क व्हिच इंडिकेट्स दैट हाउ योर इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्ड्स टू द चेंजेस इन स्टॉक इंडेक्स। जब स्टॉक इंडेक्स में चेंजेस आती हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। मान लो अगर मैं कहता हूँ इंडेक्स 2% से बढ़ा और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 4% से बढ़ी है तो आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ You have made a riskier investment than the market. Why? जब आपकी वो रिटर्न मार्केट से ज्यादा मिलता है तो कल को अगर मार्केट में लॉसेस होते हैं तो आपको लॉस भी मार्केट से ज्यादा होता है। अब अगर मैं सिंपल से आपको एक क्वेश्चन दूं, बल्कि उस क्वेश्चन को भी छोड़ें, अगर बीटा इक्विटी जीरो है इसका मतलब ये होता है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये होती है आपने रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की है। इस सिचुएशन में बेसिकली आपका के ही जो होगा वो RF के इक्वल होगा। अगर आपका बीटा इक्विटी लेस देन 1 है तो इस सिचुएशन में जो आपका केई होगा दैट विल बी लेस देन आरएम। एक्चुअली बीटा इक्विटी लेस देन 1 का मतलब ये होता है कि आपने लेस रिस्कियर इन्वेस्टमेंट की है। अगर आपने लेस रिस्कियर इन्वेस्टमेंट की है तो आप बीइंग इन शेयर होल्डर जो रिटर्न डिमांड करेंगे लोअर देन द मार्केट डिमांड करेंगे। तो पहला केस, दूसरा केस, थर्ड। अगर आपका बीटा इक्विटी मोर देन 1 है, इफ योर बीटा इक्विटी इज मोर देन 1 इट मींस यू हैव मेड अ रिस्कियर इन्वेस्टमेंट। इन फैक्ट your investment is more riskier than the market. When your investment is more riskier than the market, then you will be demanding a return even higher than the market. So in this situation mein aapka KE basically more than RM hota hai. Fourth, agar aapka beta equity exactly 1 hai, isko hum beta equity exactly 1 ko hum benchmark beta kehte hain. Hum kehte hain ek aisa beta hai jisme aapki investment ka systematic risk exactly barabar hai stock index se systematic risk ke barabar hai. Aisi situation mein aapka KE exactly barabar hota hai RM ke. ओके एक और हमारे पास जो मेथड है टू कैलकुलेट के ई दैट इज डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल डीवीएम। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में सिंपली के ई बराबर है डी नॉट 1 + G/P0 + G। के ई ऑब्वियसली हमें पता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी स्लैश मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इक्विटी होल्डर्स। डी नॉट की अगर हम बात करते हैं, डी नॉट बेसिकली करंट डिविडेंड पर शेयर है। करंट डिविडेंड पर शेयर है। जी की अगर हम बात करते हैं दैट इज एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट। दैट इज एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट। और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में अज्यूम किया जाता है कि एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट कांस्टेंट है। कुछ बच्चे ये भी सवाल कर रहे होते हैं कि सर अगर ग्रोथ रेट एग्जामिनर हमें जीरो दे दे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अगर ग्रोथ रेट जीरो है तो आपका के ई बराबर हो जाएगा D0/P0। If the growth rate is 0, then K will be equal to D naught upon P naught. Okay. लेकिन हम जब डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की बात करते हैं तो हम ये assume करते हैं कि एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद बेटा अगर डी नॉट इंटू 1 प्लस जी की बात करें तो इसको हम D1 कहते हैं। इसका मतलब होता है अगले साल का एक्सपेक्टेड डिविडेंड, नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड। बेसिकली अगर मैं D24 लिखता हूं आशा आपको समझाने के लिए, तो दिस विल बिकम D25। पी नॉट की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली करंट शेयर प्राइस होती है एक्स एफ, दिस इज करंट शेयर प्राइस। एक्स डिफ का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, एक्स डिफ का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि यार डिविडेंड मान लो कि पर शेयर 0.24 है in 2022 और dividend per share 0.28 in 2023 और dividend per share है 0.38 in 2024 और आपको करंट शेयर प्राइस दी जा रही है 10.38 और एग्जामिनर कह रहे हैं कम डिव है। कम डिफ का मतलब होता है कम्युलेटिव ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग डिविडेंड और हमें डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के अंदर बेसिकली कम डिफ प्राइस नहीं चाहिए होती, एक्स डिफ प्राइस चाहिए होती है, क्योंकि कम डिफ प्राइस फ्यू डेज के लिए स्टॉक हिस्से में एग्जिस्ट करती है। पूरे साल थ्रू आउट द ईयर जो प्राइस एग्जिस्ट करेगी वो एक्स डिफ है। करंट शेयर प्राइस आ गई हमारे पास। अच्छा ये आगे चलते हैं और हमें एक्स डिफ शेयर प्राइस इसलिए हम डीवीएम में ले रहे होते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। तो हमें कोई भी ऐसा इनपुट नहीं लेना चाहिए जो फ्यू डेज के लिए एग्जिस्ट करता है। तो दैट इज वाई इंस्टेड ऑफ टेकिंग कम डिफ प्राइस वी गो फॉर एक्स डिफ प्राइस। अच्छा जी रिक्वायर्ड ले लेते हैं जी, हमें सिंपली के ही कैलकुलेट करना। सबसे पहले आपको एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा और हम ये अज्यूम करेंगे कि एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट कांस्टेंट है। लास्ट डिविडेंड है आपके पास 0.38, आपका जो फर्स्ट डिविडेंड है दैट इज 0.24। अगर 3 इयर्स का डेटा गिवन है तो पावर 1/2 आएगी क्योंकि पहले साल डिविडेंड आएगा, ग्रोथ उसके बाद होगी। अगर 10 साल का डेटा होता तो पावर 1/9 आती। तो अगर मैं अपना कैलकुलेटर यूज कर लूँ, ऑब्वियसली आपको ये सारा कुछ एक्सेल भी करना है लेकिन आपको जस्ट क्विकली रिवाइज करवा रहा हूँ। 1/2 का मतलब है आपकी पावर आ जाएगी 0.5। तो अगर मैं 0.38 को डिवाइड करता हूँ 0.24 से, फिर इसकी पावर अगर मैं 0.5 लेता हूँ -1, तो ये मेरे पास 25.83% बनता है। उससे आप चाहें तो राउंड ऑफ करके 26% ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मैं के की बात करूँ, जो लास्ट ईयर होता है बेसिकली वो आपका करंट ईयर होता है। 0.38 इंटू 1.26, शेयर प्राइस हम 10.38 नहीं लेंगे बल्कि 10 लेंगे क्योंकि हम एक्स डिफ पे काम करते हैं, कम डिफ पे काम नहीं करते। सो चेक करते हैं 0.38 प्लस मल्टीप्लाई बाय 1.26 डिवाइड बाई 10 प्लस 0.26। बेसिकली मेरे पास ये आ रहा है 30.788% और आप इसे 31% कह सकते। दोबारा देख लेते हैं ताकि मसले मसाइल ना हो जी। बेटा ये 30.788% और 31% यह आपका के ही आ गया। ओके एक और फॉर्मूला भी होता है, कभी कभी एग्जामिनर वो फॉर्मूला भी आपसे पूछ लेता है, दैट इज गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। आपको पता होना चाहिए गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, दैट इज G = BRE। बी बेसिकली हमारे पास रिटेंशन रेशियो है। बी हमारे पास क्या है? रिटेंशन रेशियो। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है हम 40% डिविडेंड देते हैं, इसका मतलब 60% आप रिटेन रखते हैं। अगर एक कंपनी कहती है हम 70% डिविडेंड देते हैं, इसका मतलब हम 30% रिटेन रखते हैं। इट मींस बी कैलकुलेट किया जा सकता है 1 माइनस पे आउट रेशियो से। अगर आप 1 में से पे आउट रेशियो को माइनस कर दें तो आपके पास रिटेंशन रेशियो आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है यार पे आउट रेशियो कैसे आएगा। पे आउट ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन डिविडेंड की फॉर्म में पे करेगी अपनी अर्निंग्स में से, तो अगर आप डिविडेंड पर शेयर को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दें तो आपके पास पे आउट रेशियो आ जाएगा। अगर आप डिविडेंड पर शेयर को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दें तो आपके पास पे आउट रेशियो आ जाएगा। सो 1 माइनस पे आउट एक्चुअली गिव्स यू रिटेंशन रेशियो। आर यू हमारे पास सिंपली क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। दिस इज रिटर्न ऑन इक्विटी। नॉर्मली एग्जामिनर खुद आपको रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बता देता है। अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप सिंपली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर दें टोटल इक्विटी से इनटू 100, तो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी मिल जाएगा। अगेन डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि कब आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि अक्सर बच्चे ये सवाल भी पूछ रहे होते हैं सर कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। डिपेंड्स ऑन द इन्फॉर्मेशन, जैसी इन्फॉर्मेशन होगी वैसा ही आप फॉर्मूला यूज करेंगे। व्हाट डिड आई से, जैसी इन्फॉर्मेशन होगी वैसा ही आप फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जैसा मुंह वैसी चपेट, अल्लाह माफ करे। अर्निंग पर शेयर 8 है जी हमारे पास, डी नॉट ले लेते हैं 2, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको दिया जाता है 20%। ओके, मान लो कि आपको करंट शेयर प्राइस दी जा रही है, लेट्स से करंट शेयर प्राइस है 20 और हमें सिंपली के ही निकालना है, तो ठीक है जी। 1 माइनस पे आउट रेशियो, पे आउट कैसे निकलेगा, डी नॉट अपॉन ईपीएस, ये आ जाएगा 0.75। अगर मैं 0.75 इंटू 20% लूँ तो ये 15% बनता है। कुछ भी मेंशन ना हो तो जो शेयर प्राइस गिवन होगी वो एक्स देव होगी। के इज इक्वल टू डिविडेंड है 2 इंटू 1.15, करेंट शेयर प्राइस गिवन है विच इज 20 प्लस 0.15। लेट्स सी के ई कैसे आएगा, यार 26.5%। दोबारा देख लेते हैं भाई ताकि बिला वजह यूट्यूब के ऊपर नारे वारे ना मारे भाई। ओके, दिस इज 26.5%। अब बेटा अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन मान लो कि यार प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में पैसा रेस करती है, अगर आपकी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में पैसा रेस करती है, द कॉस्ट इज केपी, डी नॉट अपॉन पी नॉट, ऑब्वियसली इनटू 100। केपी हमारे पास क्या है, केपी, केपी इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। डी नॉट हमारे पास होगा प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर, प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर। और प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में हमें पता होना चाहिए, प्रेफरेंस डिविडेंड इज अ फिक्स परसेंटेज। ऑल यू नीड इज आपको उस परसेंटेज को प्रेफरेंस शेयर की पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी नॉट आ जाएगा। टी नॉट हमारे पास करंट शेयर प्राइस है प्रेफरेंस डिविडेंड, करंट शेयर प्राइस है प्रेफरेंस डिविडेंड, कौन सी, एक्स डिव। अगेन कुछ मेंशन नहीं होगा तो प्राइस को हम एक्स डिव ही मानेंगे। कम डिव के लिए एग्जामिनर आपको कम डिव लिख कर देगा। अच्छा जी, अगर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जाए, मान लो कि आपके पास 8% प्रेफरेंस शेयर्स, पार वैल्यू लेते हैं डॉलर 0.5, करंट शेयर प्राइस है लेट्स से 0.84 और ये है कम डिव और हमें सिंपली केपी कैलकुलेट करना बहुत आसानी से आ जाएगा। बेटा डी नॉट कैसे आएगा, 8% को मल्टीप्लाई करेंगे पार वैल्यू से। अगर आप 0.5 को 8% से मल्टीप्लाई करें तो ये 0.04 आता है। रिपीट, अगर आप 0.5 को 8% मीन 0.08 से मल्टीप्लाई करें सो यू विल गेट 0.04। आप 0.84 जो कम डिफ शेयर प्राइस गिवन है उसमें से 0.04 माइनस करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं ये कितने परसेंट आता है। ये आ रहा है 5%। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपके पास आ रही है 5%। अब अगर एग्जाम में प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं और कुछ मेंशन नहीं होता तो हमेशा अज्यूम किया जाता है कि वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन अगर आपको आपका एग्जामिनर विच वी हैव नॉट सीन, लेकिन अगर आपको आपका एग्जामिनर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल दे दे तो फिर केपी को कैलकुलेट किया जाएगा बाय यूजिंग आईआरआर। और आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आईआरआर का एक्सेल में शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट केपी। तो नथिंग इज मेंशन, तो जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं इररिडीमेबल हैं और इररिडीमेबल का केपी इसी तरह से आएगा जो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दे देता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में जो केपी आएगा दैट इज बाय यूजिंग आईआरआर आएगा। अब बेटा डेट की बात कर लेते हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन डेट की फॉर्म में पैसा रेस करती है, ये तो हमें पता है कि इससे आने वाली जो कॉस्ट है दैट इज KD1 - T। वो KD1 - T सिर्फ इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट देने से टैक्स सेव होता है, इसलिए KD1 - T। अगली चीज कैसा, दुनिया में ऐसी वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें कंपनी इंटरेस्ट तो देगी टैक्स सेव नहीं होगा, वो बेसिकली FM के सिलेबस में हमारे पास नहीं है। ठीक है, थिन कैपिटलाइजेशन नाम की दुनिया में एक चीज होती है बट ऑफकोर्स दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, तो मैं उसको फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा। तो फिलहाल आपके पास इतना ही है कि यार अगर आप डेट की फॉर्म में, लोन की फॉर्म में पैसा रेस करेंगे तो जो कॉस्ट कंपनी बेयर करेगी दैट विल बी KD1 - T, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। अब डेट में बेटा आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि डेट एक तरह के नहीं होता, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट। लाइक वन पॉसिबिलिटी कि आपके पास बैंक लोन आ जाए। अगर बैंक लोन आएगा तो KD1 - T डायरेक्टली आ जाएगा। ऑल यू नीड इज जो बैंक लोन का इंटरेस्ट रेट है उसको 1 - T कर दें। और अगर आपके पास इररिडीमेबल बॉन्ड्स है, अगर एग्जामिनर आपको इररिडीमेबल बॉन्ड्स दे देता है तो इररिडीमेबल बॉन्ड्स के केस में KD1 - T में ऑल यू नीड जस्ट यूज अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला यूज करेंगे और आपके पास KD1 - T आ जाएगा। I1 - T/P0 × 100। I'll be quick। I बेसिकली कैश इंटरेस्ट है। कैश इंटरेस्ट कैसे आएगा, जो भी इररिडीमेबल बॉन्ड की परसेंटेज होगी उसको पार वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। P0 हमारे पास करंट बॉन्ड प्राइस है जो कि एक्स इंटरेस्ट। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम रिडीमेबल बॉन्ड्स कहते हैं। अब ये जो रिडीमेबल बॉन्ड्स हैं, रिडीमेबल बॉन्ड्स का जो आप KD1 - T निकालते हैं, इसका KD1 - T कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग आईआरआर। और अब क्योंकि हमारे पास शॉर्टकट अवेलेबल है, उस शॉर्टकट ने जिंदगी बहुत आसान कर दी है। आप डायरेक्टली शॉर्टकट को यूज करते हुए KD1 - T रिडीमेबल बॉन्ड्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जो ख्याल रखना है कि रिडीमेबल बॉन्ड्स का जब आप KD1 - T कैलकुलेट करेंगे तो उसके बेसिकली कैश इनफ्लोज क्या होंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज देखिएगा रिडीमेबल बॉन्ड्स के कैश इनफ्लोज क्या होंगे जब व्हेन यू विल बी यूजिंग ऑफ कोर्स द फॉर्मूला आईआरआर, और मैं यूज करके दिखा भी दूंगा आपको। बेसिक मान लेते हैं कि आपके पास एक 8% रिडीमेबल बॉन्ड है, ये मैं अपने से अज्यूम कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। अगर आपके पास 8% रिडीमेबल बॉन्ड्स हैं, मेच्योरिटी ले लेते हैं जी 4 ईयर्स की, मेच्योरिटी है 4 ईयर्स। जी टैक्स रेट ले लेते हैं, टैक्स रेट है 30%। और एग्जामिनर कह रहा है भाई इस बॉन्ड की जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एग्जामिनर आपको दे रहा है लेट्स से 110, पार वैल्यू है जी 100। अब सबसे पहले मैं सिर्फ आपको कैश फ्लो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक्सेल में जब कैश फ्लोस लिखेंगे कैसे लिखेंगे, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से मेच्योरिटी पीरियड 4 साल है विच इज मेंशन इन दिस क्वेश्चन, T0, T1, T2, T3, T4 कैश फ्लोस। T0 में हमेशा मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आएगी विच इज 110। इसके बाद अगर हर साल जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे उसको आप 1 - T करोगे क्योंकि इंटरेस्ट देने से टैक्स सेव होता है। अगर मैं 100 का 8% लूँ तो 8 आता है इंटू 1 - टैक्स रेट, तो ये 5.6 आ जाएगा। आप 100 का 8% लेंगे 8 आएगा, उसका 70% लेंगे तो 5.6 आएगा, तो ये मैंने 5.6 लिखा। अब मेरी बात सुनिएगा, नथिंग इज मेंशन, तो आपका बॉन्ड जो रिडीम होगा वो पार वैल्यू पर रिडीम होगा, लेकिन एग्जामिनर इट इज पॉसिबल कि वो क्या यार आपका जो बॉन्ड है वो प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है तो प्रीमियम लिख देंगे। तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहा हूँ, फिर हम इसको एक्सेल पे देखेंगे इंशाल्लाह। 5.6 प्लस यहाँ लिखेंगे रिडम्पशन अमाउंट, लास्ट ईयर में प्लस क्या आ जाएगा रिडम्पशन अमाउंट। अब मैं रिडम्पशन अमाउंट के बारे में हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, रिडम्पशन अमाउंट के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ आरटीक्यू। अब सवाल के लो 200 आरटीक्यू क्या है? एक्चुअली आरटीक्यू का मतलब है रीड द क्वेश्चन केयरफुली। केयरफुली का सीन ही लेते, लंबा हो जाता है, तो आरटीक्यू पे रुक गए। अब रीड द क्वेश्चन केयरफुली में समझना, नथिंग इज मेंशन, तो रिडम्पशन एट पार वैल्यू पे होगी। सेकंड पॉसिबिलिटी, रिडम्पशन एग्जामिनर कह सकता है एट प्रीमियम है, लेकिन उसके लिए एग्जामिनर को फिर लिख के देना पड़ेगा कि जी रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रही है, एग्जामिनर आपको लिख के देगा। थर्ड समझना, इट इज पॉसिबल कि जो एग्जामिनर ने आपको रिडीमेबल बॉन्ड दिए वो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हो। अगर वो कन्वर्टेबल बॉन्ड है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कन्वर्टेबल बॉन्ड के केस में कन्वर्जन वैल्यू और रिडम्पशन अमाउंट विच एवर इज हायर। तो अनदर पॉसिबिलिटी यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू आ सकती है। एक और पॉसिबिलिटी भी है, रिडम्पशन एट डिस्काउंट भी हो सकती है, विच आई हैव नेवर सीन इन एसीसीए, बट सीए में मैंने देखा था उसको, वहां एक आध दफा ऐसा सवाल आ चुका है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज होगी तो एग्जामिनर खुद बताएगा। तो आरटीक्यू में देखें देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। एक, कुछ मेंशन नहीं है तो रिडम्पशन पार पे हो रही है। सेकंड, प्रीमियम पे रिडम्पशन हो सकती है। थर्ड, कन्वर्जन वैल्यू पे रिडम्पशन हो सकती है। फोर्थ, रिडम्पशन एट डिस्काउंट। अब अगर मैं इसको क्विकली आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कि किस तरह से बेसिकली इसको हम एक्सेल पे शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, और ये वो शॉर्टकट है जो ऑफकोर्स एग्जाम में अवेलेबल होता है। ऑफ कोर्स किसी भी ऐसे शॉर्टकट को आपके साथ डिस्कस करने का नो बेनिफिट, जो एग्जाम में अवेलेबल ही नहीं है, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग दैट शॉर्टकट। अगर आप मुझे 1 मिनट दें इसके लिए। थोड़ा रुकना पड़ेगा, बाकी ऑफ कोर्स आप अगर हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ एफएम नहीं पढ़ा रहा होता, आपका जो पीएम है, पीएम विच इज प्रीवियसली इट वाज F5, वो भी पढ़ा रहा होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। टैक्स में पढ़ाता हूँ FR, आई लव FR, नो डाउट अबाउट इट, आई लव टैक्सेशन, आई लव पीएम, आई लव FM, आई लव SBR, आई लव ATX एंड आई रियली लव SBR। सो इससे आपको आइडिया हो सकता है कि हमारा जो लव का स्कोप है काफी बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और लेक्चर्स जो है हमारे पास बेसिकली आपको उर्दू इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। प्रोफेशनल्स के तो आपको डेफिनेटली उर्दू इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है जी। पार्ट 2 की बात करें तो टैक्स का एक ऐसा पेपर है जो उर्दू इंग्लिश में अवेलेबल है, बाकी सारे उर्दू हिंदी में अवेलेबल है। और वेरी सून आई थिंक इसी अटेम्प्ट के अंदर आपको एफएम इंग्लिश में ही मिल जाएगा इंशाल्लाह। चलिए आपको जल्दी से बताते हैं एक्सेल पे वो शॉर्टकट जिसको यूज करके आप IRR से KD और MSC निकाल सकते हैं। आपने पहले टाइम लिखा, यहाँ ले लिया 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये आगे जी। आपने कैश फ्लोस लिखना है। 0 पे बेसिकली मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आएगी जो कि 110 था, इसको हम नेगेटिव में लिखेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो उसको बता दें, आप 100 को मल्टीप्लाई कर दें 8% से, फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 0.7 से। हाउ डिड आई गेट 0.7? एक्चुअली आपका टैक्स रेट 30% है, तो आफ्टर टैक्स करेंगे तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5.6 आ गया। आप सिंपली ड्रैग का ऑप्शन आपको एग्जाम में भी अवेलेबल होता है, आपने ड्रैग किया। लास्ट ईयर में लेकिन आप एक और काम भी करेंगे, लास्ट ईयर में आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसके अंदर रिडम्पशन अमाउंट। कुछ मेंशन हो तो रिडम्पशन किस पे होगी, पार वैल्यू पर। अब हम बड़े आराम से KD 1 - T को बेसिकली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग IRR। इक्वल टू के बाद आपने IRR लिखना है, ब्रैकेट शिफ्ट के साथ आपने सारी वैल्यूज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आपके पास जो IRR आ रहा है वो बेसिकली 3% आ रहा है। तो KD1-T जो आपके पास आ रहा है दैट इज 3%। ये वो शॉर्टकट है जो बेसिकली आपको FM में अवेलेबल होता है। तो बेटा आज के इस लेक्चर का, इसे रिवीजन लेक्चर, मैंने पहले ही आपसे कहा था ये एक रिवीजन लेक्चर है। इसमें हमने डिस्कस किया KE कैसे कैसे आ सकता है, KP को KD1-T के ऊपर डिस्कशन की। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, उसमें गेयरिंग की जब हम बात करते हैं कि बीटा इक्विटी को, अगर बीटा इक्विटी को मुझे डी गेयर करके बीटा एसेट निकालना हो और बीटा एसेट को बीटा इक्विटी में कन्वर्ट करना हो, ये कैसे होता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह कवर कर रहे होंगे। प्लस हम नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी करेंगे जिससे आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। प्लस एक चीज खाली और बता देते हैं वीडियो खत्म करने से पहले, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो F9 FM का पेपर है इसमें वन ऑफ माई स्टूडेंट ही टुक 94 मार्क्स, वर्ल्ड पोजीशन में इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ चुकी है। टैक्स की बात करें तो द वे बैक वन ऑफ माई स्टूडेंट नेम बख्तावर, शी टुक 99 मार्क्स इन टैक्स। FR की बात करें तो प्रीवियस अटेम्प्ट में ही बेसिकली हमारा एक स्टूडेंट है, ठीक है, जकी नाम का स्टूडेंट है, ही टुक 93 मार्क्स, 1 मार्क्स से उसकी पोजीशन रह गई। SBR में अल्हम्दुलिल्लाह हम पोजीशंस ले चुके हैं। ATX के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द वर्ल्ड माशाल्लाह अराउंड 9+ पोजीशन है हमारे पास। AFM में नंबर ऑफ पोजीशन है, इनफैक्ट वर्ल्ड पोजीशन भी आ चुकी है। तो सिंपली आपको ये बताना चाह रहे हैं अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो यू विल बी इन सेफ हैंड्स। आपकी क्वेरीज को हम प्रॉपरली टैकल करते हैं, आपको प्रॉपरली जवाब दिया जाता है। और जब आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं अबील स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी को, तो आपको लगता है हाँ यार हमने एक रिस्पॉन्सिबल टीचर से पढ़ रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं तो हमें आंसर दिया जा रहा है। तो प्लस इट्स नॉट ओनली कि हम आपका पेपर इंशाल्लाह तरीके से अच्छे मार्क्स से कवर क्लियर करा देंगे, प्लस आपको करियर में आगे कौन किस तरह से चलना है ऑन एंड ऑफ। पूरी दुनिया के अंदर माशाल्लाह एक हमारा डिपार्टमेंट है मान लें जो जॉब सर्च कर रहा होता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो अक्सर हम अपने जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ वो सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज बेसिकली कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। प्लस फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक कोर्स होता है जो आपकी बेसिकली समझें आपके करियर को 4 चांद लगा सकता है। आप कह सकते हैं कि सर 1 चांद भी बहुत है, 4 चांद का अचार डालना है, इतनी ये बात नहीं है, बट डेफिनेटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको बहुत हेल्प करता है टू लर्न फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो ये सारी चीजें, बाकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमारे यूट्यूब पे चैनल पे क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं अपना ASA का व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी एडमिन ओवरसीज स्टूडेंट्स की बात करें तो 009233336624 ये हमारा ASA का व्हाट्सएप नंबर है। आप हमारे एडमिन को कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये आपको डेफिनेटली प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करेंगे। आप इनसे मेरा नंबर लेके डायरेक्टली मेरे से भी सवाल पूछ सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं, नो इशू एट ऑल। सो थैंक यू वेरी मच वाचिंग दिस लेक्चर। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक चीज कहता हूँ, या अक्सर एक चीज कहता हूँ, इंस्टेड ऑफ मैं कहता हूँ सेइंग हैव अ नाइस डे, यार मैं चाहता हूँ, मतलब दुआ ही दे सकते हैं, चाहते तो हमारे कुछ नहीं होता। मैं चाहता हूँ, मतलब मेरी ये दुआ है, instead of having a nice day you should have a nice life। और जब आप हमें ज्वाइन करते हैं तो हम आपको बताते हैं, मतलब बहुत सी चीजें आप सीखते हैं सिलेबस के अलावा। उन चीजों में से एक चीज बड़ी जबरदस्त होती है हमारे पास, जब आप ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह तो आपको आइडिया होगा, बताएंगे क्या है, बहुत जबरदस्त चीज है। प्लस अगर आप AFM की बात करें तो हम AFM में अपने स्टूडेंट्स को ये भी बताते हैं वो कौन सी 10 डेडली सिन है, 10 मिस्टेक्स हैं जो आपने AFM में नहीं करनी, जो इसका एडवांस पेपर है। अगर आप वो 10 में से एक मिस्टेक भी करते हैं तो आपके अच्छे खासे मार्क्स कटे जाते हैं। फिर SBR के अंदर एक यूनिक तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। ATX के अंदर एक इनफैक्ट बिल्कुल यूनिक तरीका होता है हमारा पढ़ाने का। तो इंशाल्लाह आपको मजा आएगा हमसे पढ़ के। अस्सलाम वालेकुम।